खाजूवाला क्षेत्र के किसानों की इस समय दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तरफ किसान टिड्डियों के आतंक से परेशान है, तो वहीं दूसरी ओर नहरों में बहकर आ रही जलीय वनस्पति के चलते नहरों से पूरा सिंचाई पानी किसानों को नहीं मिल पा रहा है। क्षेत्र का किसान लगातार परेशानी झेलने के बाद अब खून के आंसू रोने को मजबूर है। 40 केवाईडी की 70 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला के द्वारा 6 घंटे लगातार नहर में खड़े रहकर कचरे को बाहर निकाला जा रहा है। समझ सकते हैं कि किस कदर किसान मजबूर होकर खेती कर रहा है। दिहाड़ी पर है वो तो डीजल खा जाओ 5000 को तो डेली को दिहाड़ी लेवे जी को अलग खाजूवाला क्षेत्र की नहरों में पानी के साथ बहकर आ रही जलीय वनस्पति के चलते नहर के अंतिम छोर पर पूरा पानी नहीं पहुंच रहा है। पिछले 5 दिनों से लगातार नहरों में बहकर आ रही जलीय वनस्पति से नहरों में अक्सर डाफ लग जाती है, जिससे नहर टूटने की आशंका बनी रहती है। इसको देखते हुए सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा वह किसानों के सहयोग से लगातार नहरों से जेसीबी की सहायता से जलीय वनस्पति को बाहर निकाला जा रहा है। खाजूवाला क्षेत्र के जीवनदायिनी केवाईडी बीडी व केजेडी नहरों में पिछले 5 दिनों से लगातार जलीय वनस्पति के चलते नहरों में डाफ लग रही है। सूचना मिलते ही सिंचाई विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं। वह किसानों के सहयोग से जेसीबी द्वारा इन जलीय वनस्पति को बाहर निकाला जाता है।